सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर अ मोनो एटॉमिक आइडल गैस ऑपरेटिंग इन अ क्लोज साइकिल एंड द साइकिल इज गिवन टू यू विच इज दिस. दिस इज द डायग्राम विद एडियाबैट. दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके एंड दिस इज द पी वी ग्राफ अगेन एंड दिस इज द एडियाबैट and this is here pressure is P2, here pressure is P1, again V2, I think V1, here is 3V1 volume. Okay, so we have to find the P1 by P2. Okay, देखो P1 and P2, P1 यहाँ पर है, P2 यहाँ पर है. Okay, P1 यहाँ पर भी P1 होगा, clear? यानी कि हम अगर इस पाथ को देखें देन वी कैन फाइंड द P2 बाई P1 यूजिंग दिस इक्वेशन. दिस इज द एडियाबैटिक इक्वेशन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस बिकॉज दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके फ्रॉम A टू B इज द एडियाबैटिक प्रोसेस. लेट्स से इट इज A टू B एडियाबैटिक. सो सिंपली वी कैन फाइंड एंड वॉल्यूम गिवन है हमें. वी कैन फाइंड P1 पे एंड P2. जस्ट इट इज नाउ मैटर ऑफ कैलकुलेशन. ओके सो व्हाट वी कैन डू P1 V1 गामा. नाउ इट इज अ मोनो एटॉमिक गैस सो गामा इज 5/3. ओके एंड दिस इज P2 V2 विच V2 इज 3V1 और आई हैव रिटन इट रॉन्ग. आई हैव रिटन इट रॉन्ग. सो दिस इज V1 पे P2 है. जब P2 प्रेशर है तब V1 है. ओके सो दिस इज P1 पे वॉल्यूम है 3V1. ओके सो दिस इज 5/3 अगेन. V1 कट वी विल गेट P2 by P1 एज 3/1 5/3. और इसको जब तुम कैलकुलेटर से करोगे. ओके P1 by P2 निकालना था, यहाँ पर -5/3 आ जाएगा. ओके P1 by P2 तो ये तो कैलकुलेटर से ही होगा. ओके इफ यू कैलकुलेट एंड दिस इज -5/3. ओके यू कैन राइट लाइक दिस 1/3 5/3. ओके सो इसको अगर हम कैलकुलेटर से देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.16. Now this question, the equation of state for 1 mole of non-ideal gas is given. So this is the equation for the non-ideal gas. अगर हमें non-ideal gas कहा है question में, this is very important. If we are given the non-ideal gas, then we can't use such expressions. ये expression नहीं लिख सकते, because this is for the only the ideal gas. Okay, this is not true. So PV, this is the equation and we have to find the work done by the gas. Okay, and in an isothermal process, this is also important because temperature is constant now. Okay, so what is work done? We know PdV, and from V1 to V2. Okay, so what... तो अब ये P की वैल्यू मैं यहाँ से ले सकता हूँ. क्या आएगी P की वैल्यू देखो कितनी आएगी. A1 + B/V. ओके बाय V. अगर V है तो V से डिवाइड कर दो, यह बन गया V². ओके एंड दिस इज dV. सिंपल. नाउ आई विल गेट फ्रॉम V1 to V2. नो आई विल गेट A नेचुरल लॉग V2 by V1 प्लस इसका क्या आएगा, इसका माइनस आएगा इंटीग्रेट करके. तो -B/1/V2 - 1/V1 जहाँ पर A भी आएगा ना. ओके तो अब क्या करेंगे, अब इसको जस्ट जो ऑप्शन है उससे बस मैच कराना है हमने. ओके तो जहाँ पर ऑप्शन सी देखोगे तो सी ऑप्शन में यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिखेंगे, बट अब चेंज करना पड़ेगा अंदर. तो अंदर कैसे, V1 इज द प्लस नाउ,
V2 को मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि बाहर चेंज किया तो अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, सो दिस इज ऑप्शन।